नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों का काला चेहरा। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करती हैं, उनके परिवारों का ख्याल रखने का भरोसा देते हैं, सीमा पार करके जम्मू कश्मीर में भेजते हैं और जब वो आतंकी मारे जाते हैं तो उनके परिवारों को बेसहारा छोड़ देते हैं। ये बात सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं कह रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कही, बल्कि उस महिला ने कही है जो एक आतंकवादी की बीवी है। इस महिला के पति की मौत मुठभेड़ में हो चुकी है, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने उसके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। महिला को अपने बच्चों के दूध का इंतजाम तक करने के लिए भीख मांगनी पड़ी, दूसरों के घरों में काम करना पड़ा, लेकिन जिस हिजबुल मुजाहिदीन के चक्कर में उसके पति की मौत हुई, उस हिजबुल ने महिला को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद जब बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया तो यह महिला भागकर भारत आई। श्रीनगर में बैठकर इस महिला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवादी संगठनों के चक्कर में न पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर में खून खराबा हो और खून भी कश्मीरी नौजवानों का हो। इस महिला ने बताया कि नौजवानों को लालच देकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। उसके बाद उन आतंकवादियों के परिवारों का क्या होता है, इससे न कोई मतलब नहीं। इस महिला की बात सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि आर्मी के साथ मुठभेड़ में इस महिला का आतंकी पति मारा गया था और अब आर्मी ही इस महिला और इसके बच्चों का ख्याल रख रही है। अब आपको दिखाते हैं इस महिला की तस्वीर। इनका नाम है रजिया। रजिया जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की रहने वाली है। बचपन में पिता के साथ पाकिस्तान गई थी, फिर पाकिस्तान की होकर ही रह गई। पाकिस्तान में ही उसकी शादी हो गई, तीन बच्चे हुए, लेकिन शादी से पहले उसे यह नहीं पता था कि उसका पति मोहम्मद परवेज हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है। शादी के बाद यह बात उसे पता चली। उसने पति को समझाया लेकिन हिजबुल ने उसको ब्रेन वॉश कर रखा था। शौहर ने रजिया की बात नहीं सुनी, बस यही कहता रहा कि अगर कुछ हो गया तो हिजबुल के आका पाकिस्तान की आर्मी उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। और एक दिन रजिया का पति मोहम्मद परवेज गायब हो गया। उसे पाकिस्तान से सरहद के पार हिंदुस्तान भेजा गया था। रजिया को यह बात तब पता लगी जब हिजबुल के लोग उसके पास 30,000 रुपए लेकर पहुंचे। यह रजिया के पति की मौत का मुआवजा था। 2018 में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में रजिया के पति की मौत हो गई। उसके बाद पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से रजिया को सिर्फ 30,000 रुपए दे दिए गए। उसके बाद कुछ महीनों तक उसे 12,000 रुपए मिले। मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस में सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसके बाद बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने वो पैसे देना भी बंद कर दिया, रजिया को पहचानना तक बंद कर दिया। और इसके बाद तो उसके भूखों मरने की नौबत आ गई। रजिया ने कहा कि उसके पति ने हिजबुल मुजाहिदीन के कहने पर अपनी जान दे दी, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना वादा नहीं निभाया, उसके बच्चों को भूखों मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया। उसके बाद तंजीम में आपकी क्या मदद करी? 30,000 रुपए दिया था, बस 30,000 दिया था। फिर मंथली देते थे, कभी 10 कभी 12, इससे ऊपर नहीं देते थे। कब तक दिया? आने से 8-9 महीने पहले, तकरीबन 8-9 महीने पहले बंद हो गया था देना। आपके 2018 में? जी जी, 18 में हुए थे। तो 2018 में 30,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी? पाकिस्तानी 30,000 रुपए दिया था। और उसके बाद 2020 तक उन्होंने आपको? जी जी, 20 तक 10-12,000 महीने का देते थे जी, जिसमें सिर्फ रेंट और बच्चों की फीस निकलती थी। और आपके बच्चे भी तीन थे? जी जी, तीन बच्चे, तीनों पढ़ने वाले हैं, तीनों की पढ़ाई के खर्चे बहुत ज्यादा दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे थे। बस फिर कई मांग शांग के, कभी किससे मांगा कभी किससे कुछ, अम्मी भी मेरी साथ रहती थी तो वो भी मांग के मतलब गुजार चलाती थी, जो हम दोनों माँ बेटियाँ मांग के घर का नजार चलाती थी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ। मांग के मतलब कैसे? किसी के घर बर्तन वगैरह धो दिए, किसी के कपड़े सिलाई कर रही, बस इधर से मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं होता था गुजारा। यकीन जाने कभी हम भूखे भी रहे, कभी खाते थे कभी भूखा रहते थे, कोई आपका मदद करने के लिए कोई नहीं था। सोचिए, जिस महिला को शादी के बाद ये पता चला हो कि उसका शौहर आतंकी है, वो मौत का सामान लेकर घूमता है, तो उस महिला पर क्या बीती होगी। उसने हालात से समझौता करके जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ाई, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हर दहशतगर्द के साथ होता है, उसका शौहर मारा गया। अब उम्मीद आतंक के आकाओं से थी, लेकिन जिन लोगों ने रजिया के पति मोहम्मद परवेज के हाथ में बंदूक थमाई थी, जिन लोगों ने उसे कश्मीर में आतंकी हमले के लिए भेजा था,
उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया। इसके बाद रजिया और उसके बच्चों का सबसे बुरा वक्त शुरू हुआ। रोटी के एक एक निवाले के लाले पड़ गए। आज उन दिनों को याद करके रजिया की आंखें भर आती हैं। आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी तकलीफें होती थी। यकीन जाने घर में अगर एक चीज लाते थे तो दूसरी खत्म। वो लाते थे तो बिजली का बिल, उसको पे करने के लिए कभी किससे मांगा कभी किससे मांगा, वो खत्म होता था तो गैस का बिल। वो दे देते थे बच्चों की फीस। अब यकीन जाने रातों की नींद नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी टेंशन होती थी कि बस बच्चे भी भूखे रहते रहे, बिना नाश्ते के स्कूल जाते रहे। बस भटकते भटकते दिन गुजरते थे, कभी किधर कभी किधर। साल एक तो हम रहे ठीक, एक साल पूरा नहीं हुई किसी चीज़ की टेंशन। उसके बाद हमने बहुत मुश्किल हालात गुजारे, बहुत मुश्किल। तो आप इस बात से सहमत हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो आपको मुजाहिद बनाती है जी, और आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार का कुछ समय के लिए ख्याल रखती है? कुछ समय के लिए लगती है और फिर नहीं, फिर छोड़ देती है उसको, कि जैसे कभी जानते ही नहीं थे किसी के जी। बच्चों पे भी कोई नहीं, किसी को नहीं, बस बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देते हैं, कोई तरस नहीं, जैसे कभी देखा ही ना हो इन लोगों ने, अनदेखा सा कर देते हैं। बच्चे हैं तो ये बस बहुत मुश्किल, इनकी उम्र इतनी नहीं थी जितनी इन्होंने मुश्किलें देखी है। आपके मन में सवाल होगा कि रजिया आप कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रजिया इस वक्त बांदीपुरा में है, अपने पिता के पास है, और अब आर्मी उसके और उसके बच्चों की देखभाल कर रही है। सवाल यह है कि जब रजिया पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में उसका ससुराल था, उसका पति मोहम्मद परवेज हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था, और वो भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में मारा गया, तो फिर रजिया पाकिस्तान से भारत कैसे पहुंची, और आतंकवादी के परिवार का ख्याल भारतीय आर्मी क्यों रख रही है? यह सवाल रजिया से भी पूछा गया कि वो पाकिस्तान से भारत आई कैसे। रजिया ने बताया कि जब पाकिस्तान में उसके बच्चे भूख से मर रहे थे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने वापस अपने वतन लौटने का फैसला किया। इधर उधर से पैसे मांगकर किसी तरह अपना पासपोर्ट बनवाया, फिर बच्चों को लेकर पाकिस्तान से कतर गई, कतर से नेपाल, नेपाल से दिल्ली आई, और दिल्ली से जम्मू। श्रीनगर पहुंचने से पहले तो उसने अपने पिता को इसकी भनक भी नहीं लगने दी कि वो पाकिस्तान छोड़कर भाग रही है, क्योंकि अगर इस बात का पता पाकिस्तान की आर्मी या हिजबुल मुजाहिदीन को लग जाता तो उसका और उसके बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल था। तो आपने ये कदम कब उठाया कि आप वहां से वो छोड़ कर पाकिस्तान? जैसे ही उन लोगों ने पैसे बांध किए तो उसके एक दो महीने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैंने जाना है। तो फिर रिश्तेदारों ने हेल्प की, कुछ भाइयों ने मांगा, कुछ इधर उधर से हेल्प करके हमने पासवर्ड वगैरह बनवाए, फिर मैं बच्चों को लेके आ गई। कहाँ से? हम लोग नेपाल वाली साइड से। फ्लाइट मैंने ली थी इधर से नहीं, इस्लामाबाद से कतर, तो कतर से आगे काठमांडू, काठमांडू से आगे हम आए दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, और श्रीनगर आके मैंने पापा को कॉल की, उन्होंने टैक्सी वाले से बात की और फिर शहर। फिर मैंने अपने पापा से मुलाकात की, फिर पापा ने इनके दादा दादी को कॉल की कि आपके बच्चे आए, फिर आप आए, तो फिर वो इनको मिलने यहाँ आ गए। वहाँ से जब मैं निकली तो सिर्फ मेरे भाई का और मेरा आपस में मतलब रब्ता था, बाकी हमने किसी को नहीं बताया। रजिया ने हिम्मत जुटाई, वक्त ने साथ दिया, पैसों का इंतजाम हो गया, पासपोर्ट भी बन गया, और पाकिस्तान से कतर, कतर से नेपाल, नेपाल से होते हुए वो बच्चों के साथ सुरक्षित भारत पहुंच गई। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। पाकिस्तान में रजिया जैसी हजारों महिलाएं हैं जिनके शौहर दो चार दिन में लौटने की बात कहकर निकले और फिर कभी वापस आए नहीं। पाकिस्तान में हजारों ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनके अब्बू तोहफा लेकर वापस आने को कहकर गए लेकिन कभी लौटे नहीं। अब बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, तमाम दूसरे आतंकी संगठन नौजवानों को बहकाकर, फुसलाकर, लालच देकर, डरा धमकाकर उन्हें अपने चंगुल में फंसाते हैं और फिर मरने के लिए जम्मू कश्मीर भेज देते हैं। जम्मू कश्मीर में इन नौजवानों को सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में झूठी झूठी कहानियां बताकर भड़काया जाता है। रजिया के दिलो दिमाग में भी भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में ऐसे ही ख्याल थे, लेकिन जब रजिया हिंदुस्तान आई है तब उसकी आंखें खुली। रजिया ने बताया कि वो श्रीनगर पहुंचकर सीधे पुलिस थाने गई, अपनी सही सही पहचान और सारी बात बताई। उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, उसे चार दिन तक वहां रखा गया, लेकिन उसका और उसके बच्चों का घर से ज्यादा ख्याल रखा गया। तो यहाँ पे रहे थे तो सुबह हम चले गए थे थाने में, तो वहां पे काफी बयान वगैरह हुए, चार दिन में वहां रही हूँ, उसके बाद जमानत हुई है तो फिर जा रही हूँ।
वहाँ रही हूँ, वहाँ बच्चों का बहुत ख्याल रखा है मेरा, 4 दिन बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। बच्चों के साथ उठना बैठना ऐसे था जैसे हम फैमिली में रह रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम घर से अलग रह रहे हैं। बच्चों को बाहर से चीजें ला के देनी, बच्चों का ख्याल रखना, बातें करना बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा ख्याल रखा है इन 4 दिनों में। बच्चे बहुत खुश हुए यहाँ पे आके। रजिया चाहती है कि उसके साथ जो हुआ उसने जो झेला वो कोई और कश्मीरी लड़की न झेले। रजिया ने बताया कि आतंकवादियों के आका अपने लोगों को इस बात की सख्त हिदायत देते हैं कि वो अपने घर में परिवार वालों से कभी कुछ ना कहें, कहां जा रहे हैं, कब लौटेंगे, इसके बारे में कोई बात ना करें। दहशतगर्द तंजीमें आतंकवादियों से कहती हैं कि वो सिर्फ मिशन पर ध्यान दें, उनके परिवार का ख्याल वो खुद रखेंगे, उन्हें परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रजिया ने बताया कि उसका पति 3-4 दिन में आने की बात कहता था और महीनों तक लौटता नहीं था। वो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ नहीं बताता था। रजिया ने कहा कि वो चाहती है कि हर कश्मीरी नौजवान उसकी कहानी जाने, उसकी आपबीती सुने और समझे कि आतंकवाद का रास्ता परिवार को किस मुसीबत की खाई में धकेल देता है। बस यही कहूंगी कि ये जो है मुजाहिद लेके जाते हैं, फिर वहां पे शादियां, इनको कोई ख्याल नहीं होता, जिंदगी बर्बाद होती है। हमने जो हालात गुजारे, मैंने जो हालात गुजारे, यकीन जाने में रातों को जाग जाग के गुजारती थी कि सुबह में किधर जाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, सोती में बिल्कुल भी नहीं थी। नींद तो बिल्कुल जैसे थी ही नहीं, हमें सुकून तो बिल्कुल था ही नहीं। बच्चों के सुकून के लिए कभी दिन में किधर भटकते, कभी किधर, कभी किधर, इनकी हर जरूरत कभी पूरी होती थी, कभी नहीं होती थी। कुछ ईदें ऐसी गुजरी हैं जिन पे इन्होंने कपड़े पहने, जिन पे नहीं पहने। बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरे, तो मैं यही कहूंगी कि सोच समझ के हर एक को ये कदम उठाना चाहिए। वहाँ जाके शादियाँ कर लेते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, नहीं सोचते पीछे रहने वालों को। अब इसके जो मेरे शोहर थे उनको लेकर गए, कम से कम घर बताते हैं तो बंदा चलो जाने से मना करता है, बताते भी नहीं है, बस ये कहते हैं कि हम कहीं लेके जा रहे हैं, 3 से 4 दिन लगेंगे, आप परेशान नहीं होना, नंबर बंद हो गया, अपनी टेंशन नहीं करनी। तो फिर बंदा इसी चीज़ में बैठा रहता है कि बस 3-4 दिन तक वापस आ जाएंगे, फिर तब पता चलता है जब महीने गुजर जाते हैं। यही कहूँगी कि मुझे इतना बने कोई भी, क्योंकि जो मुझ पे गुजरी है मैं नहीं चाहती कि किसी और पे गुजरे। यही कहूंगे कि ना बर्बाद क्या करें घरों को, नहीं देखते हैं, भेज देते। मेरे तो 3 बच्चे हैं, अब यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग भी गए जिनके 11 बच्चे भी होते हैं, 9 भी 8 भी, हमारे साथ से हमने देखे हैं खुद उनके बच्चे। मेरे तो फिर अपना होश संभाल लेते हैं, छोटे छोटे 9 माह के 8 माह के छोटे छोटे को छोड़ के चले जाते हैं, वो उकसाते हैं, तो फिर वो भी वापस नहीं देखते कि पीछे हमारे बच्चे हैं, ये कैसे जिएंगे, कैसे पलेंगे। औरत कितना ही करती है, घर का करेगी या बाहर का करेगी, ये निकाल देते हैं, इनको कोई नहीं होता कि पीछे। अगर ख्याल रखने वाले हों तो फिर चलो वो बात है, ख्याल तो ये रखते ही नहीं है, बिल्कुल पराया कर देते हैं। साल एक अपना शो दिखाते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, साल के बाद अपने हाल पे छोड़ देते हैं, कोई मरे या जिए इन्हें कोई फर्क नहीं। कहूंगी कि किसी और का घर ये ना बर्बाद करें, खुद बैठे होते हैं मजे से अपनी अपनी सीटों में, कोई टेंशन नहीं होती, इनको भेज देते हैं आगे दूसरों को, खुद भी जाए ना, बड़े किस लिए बने हुए हैं ये। रजिया ने बताया कि पाकिस्तान में ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिनके शौहर कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में मारे गए, अब वो महिलाएं और उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, भीख मांग रहे हैं। रजिया ने कहा कि उन्होंने जो भुगता उसे सोचकर दिल दहल जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून है कि वो हिम्मत करके वापस भारत लौट आई। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जाती थीं जिससे लोगों में उनके लिए नफरत पैदा हो जाए, लोग डर जाएं, लेकिन यहां आकर देखा कि बिल्कुल उलट बात है। यहाँ पे मुझे 15 दिन हो गए हैं तकरीबन, काफी सुकून में हूँ, बहुत सुकून से सो तो सकती हूँ, जी सुकून से सो सकती हूँ, टेंशन बच्चों की नहीं होती है, दिन को खेलते रहते हैं, उसमें भी बैठी रहती हूँ चुप करके। जिस हिसाब से कह रहे थे कि भारत में ये होगा तो वो होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बहुत सुकून मिला आके, बहुत रिलैक्स हुए, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा गया यहाँ पे, वो वहाँ अपनों का ख्याल नहीं रखते तो यहाँ से जाने वालों का क्या रखेंगे। रजिया ने जो झेला उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो पिता के साथ पाकिस्तान गई, वहां उसका भाई भी रहता है। 2008 में भाई के दोस्त मोहम्मद परवेज के साथ उसका निकाह हो गया। मोहम्मद परवेज इस्लामाबाद का रहने वाला था, किसी को शक भी नहीं था कि इस्लामाबाद का रहने वाला लड़का दहशतगर्दों के चक्कर में फंसेगा, लेकिन ऐसा हो गया।
अब रजिया और उसके बच्चे मोहम्मद परवेज की गलती का नतीजा भुगत रहे हैं और रजिया जैसी हजारों लड़कियां। मैं आपको बता दूं कि इस साल जम्मू कश्मीर में 179 दहशतगर्द एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, इनमें से 73 लोकल थे, 106 आतंकी पाकिस्तानी थे। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में 24 घंटे से चल रहा एनकाउंटर खत्म हुआ है। 24 घंटे तक चले इन दो एनकाउंटर्स में 6 आतंकवादी मारे गए। अनंतनाग और कुलगाम में कल रात से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। आज सुबह जब मुठभेड़ खत्म हुई तो दोनों जगहों से सुरक्षा बलों के जवानों ने 3-3 आतंकवादियों की डेड बॉडी बरामद की। मारे गए आतंकी जैश के हैं। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर को श्रीनगर के बाहरी इलाके में पुलिस बस पर आतंकी हमला हुआ था, उसमें यही आतंकवादी शामिल थे। ये ही ग्रुप है जिसने उसने हमला किया था, जिसमें हमारे पुलिस के 3 जवान शहीद हुए थे। इसमें जाफरान कॉलोनी का सुहेल अहमद राठौर, मुफ्ती अल्ताफ जो कल मारा गया, ये पाकिस्तानी जिसको माविया अलियास सुल्तान अलियास रईस बोलते हैं। रईस 2017 से साउथ कश्मीर में एक्टिव था। इसका उसी मकसद था कि हेवी कैजुअल्टी करे हमलों पर। हालांकि हमारे फोर्स ने बहुत अच्छा रिटेलिएट जवाब किया, फिर भी हमारे 3 शहीद हो गए थे। हम लोग प्रॉमिस किए थे और इस साल के खत्म होने के पहले पहले इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज कर दिए। जहां तक दिसंबर की बात है, दिसंबर में अभी तक 24 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें 5 टेररिस्ट पाकिस्तानी है। पहला बार हुआ है कि टोटल नंबर 200 से कम हुआ है टेररिस्ट का पूरे कश्मीर में, और पहला बार हुआ हिस्ट्री में कि लोकल टेररिस्ट 100 से कम हो गया, 86-85 लोकल टेररिस्ट बच गया है पूरा कल के इनकाउंटर के बाद। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के लगातार ऑपरेशन से आतंकियों के हौसले पस्त हुए हैं। 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि लोकल यूथ में आतंकी संगठनों को लेकर क्रेज लगातार घट रहा है, जिसकी वजह से आतंकी संगठनों में लोकल यूथ का रिक्रूटमेंट कम हो गया है। दिस ईयर द इन्फेक्शन नंबर्स आर फार मोर लेसर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, सो दैट इज वन पार्ट। सिमिलरली द रिक्रूटमेंट हैज आल्सो गॉन ड्रास्टिकली डाउन व्हेन यू कंपेयर टू लास्ट ईयर्स नंबर्स व्हिच आर अबाउट मोर देन 180। दिस ईयर वी आर जस्ट अबाउट नॉट इवन टच 130। So it shows there is a awakening in the civil society. People have realized the futility of taking up violence. There are they understand what's happening from across. There are awareness which is coming out. We should look at it positively, and I'm sure the way the civil population is helping us out to neutralize these terrorists, and also they are enabling us to break the cycle of violence because the recruitment is getting reduced. हमारे जवान सिर्फ बंदूक की भाषा में बात नहीं करते, वो इंसानी जज्बात भी समझते हैं। पक्के इरादों वाले लेकिन रहम दिल हैं, इसीलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। जो आतंकवादी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करते हैं, बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहाते हैं, उनके परिवारों का ख्याल भी अपने परिवार की तरह रखना यह कोई छोटी बात नहीं है। आज लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि अब कश्मीर में आतंकवादियों का आखिरी समय चल रहा है। आर्मी की कोशिश है जल्द से जल्द बचे कुछ आतंकवादियों का भी सफाया हो और एक बार फिर जम्मू कश्मीर जन्नत बने। आतंकियों का खात्मा तो आर्मी करेगी, लेकिन हम सबका एक और दुश्मन है जिसका खात्मा हमें ही मिलकर करना है, और सरकार ने आज एक बार फिर कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सरकार ने साफ साफ कह दिया कि कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब फिर से कोरोना के केसेस में जबरदस्त तेजी आई है। बस राहत की बात इतनी है कि फिलहाल जो केस आ रहे हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,154 नए मामले आए, जबकि 268 लोगों की मौत हुई है। अगस्त के बाद यह पहला मौका है जब देश में एक दिन में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1,000 के आसपास पहुंचने वाली है, फिलहाल यह संख्या 961 है। हैरानी की बात यह है कि ओमिक्रॉन के मामलों में दिल्ली नंबर वन है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 263 और महाराष्ट्र में 252 मामले आए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल केसेस की बात करें तो जिन जिलों में कोरोना के नए केसेस में जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जिले महाराष्ट्र के हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में कई और जिलों में कोरोना अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कोरोना की फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे थे। हालांकि बीच में केरल भी नंबर वन पर आया, लेकिन महाराष्ट्र में केसेस फिर से खतरनाक स्पीड से बढ़ने लगे हैं। फिर भी लोग इसे लेकर किस किस्म की लापरवाही बरत रहे हैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। तस्वीर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की है। बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक की
बेटे की शादी का है वीडियो। आप देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ लगी है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, लोग साथ साथ बैठे हैं, मास्क भी नहीं पहना है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक कोरोना पॉजिटिव भी है। सोचिए यहां से कितने लोग अपने साथ कोरोना वायरस साथ ले गए होंगे। आज महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कल इस शादी में विखे पाटिल बिना मास्क के घूम रहे थे, सबसे मिल रहे थे। भीड़ का यह हाल तब है जब महाराष्ट्र में रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू लागू है, 6 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने की भी मनाही है, और अगर किसी की शादी है तो 200 मेहमानों को आने की इजाजत है। लेकिन यहां पर हर नियम की धज्जियां उड़ रही हैं। यह शादी समारोह बीजेपी के नेता शिवाजी राव कंडीले के बेटे अक्षय कंडीले की थी, लेकिन मेहमान इतने ज्यादा बुलाए गए कि यह शादी समारोह कम राजनीतिक रैली ज्यादा लग रही थी। चूंकि नेता के बेटे की शादी थी इसलिए महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े नेता भी इस शादी में शरीक हुए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सांसद सुजय विखे पाटिल, सदाशिव लोखंडे समेत कई दिग्गज नेता इस शादी में मौजूद थे और किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था। आज जब राधाकृष्ण विखे पाटिल के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सारे नेता परेशान है, क्योंकि 2 एकड़ में बने आलीशान पंडाल में हजारों लोगों के साथ साथ बड़े बड़े लीडर्स थे। इसलिए कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन होने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल ने सीधे सीधे कहा कि नाइट कर्फ्यू लगाने से कुछ नहीं होता, 2 साल से पाबंदियों का पालन करते करते लोग थक चुके हैं, सब लोग समझदार हैं, अपना भला बुरा सोच सकते हैं, इसलिए पुलिस को किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि निर्बंध लगाने से कुछ होगा नहीं, नाइट कर्फ्यू लगाइए, आप चाहे जितने निर्बंध लगाइए, शादी करना कोई गुनाह नहीं। 2 साल लोग घर में बैठ के परेशान हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लॉकडाउन लगाने से जितने भी रोज़गार जो जो लोगों को मिल रहे थे वो बेरोजगार होने का धोखा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं, लोगों को खुद का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। मास्क, सैनिटाइजेशन, अगर मुझे इस खतरे से धोखा है ओमिक्रॉन से, तो मुझे शादी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोग आए क्योंकि वो किसी इंसान से उनका लगाव है, किसी इंसान को वो मानते हैं, तो उस चीज़ को आप नहीं रोक पाते। तो शादियां, ब्याह, ये सब अगर हम कम लोगों में भी रखना चाहें तो भी लोग अपने आप आते हैं आशीर्वाद देने, तो इसको आप नहीं रोक सकते। मुझे लगता है कि हर इंसान ने खुद को एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना के खुद ही प्रिकॉशन लिए, मास्क पहने और दूरी बनाए रखे, तो मुझे लगता है हर इंडिविजुअल का काम है। अब ये चीज़ 2 साल इस चीज़ को हो गई, इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। लॉकडाउन या कोई कार्यक्रम रद्द करना इसका सलूशन नहीं, कार्यक्रम होते रहेंगे, लोगों को खुद का ख्याल रखने की आदत अब डल चुकी है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को अब आगे चल के एक पार्ट ऑफ द लाइफ करके हम, मुझे लगता है, जीना पड़ेगा। लेकिन सोचिए राधा कृष्ण विखे पाटिल अनजाने में कितने लोगों को कोरोना बांट कर आए होंगे और अब यह वायरस कहां कहां तक पहुंचेगा। वैसे बात तो सही है कि अगर बड़े बड़े नेता खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस आम लोगों को कैसे रोकेगी। गलती सिर्फ अहमदनगर में नहीं हुई, सिर्फ बीजेपी नेताओं ने ही नहीं की। मुंबई के पास ही पनवेल महानगर पालिका के डिप्टी मेयर जगदीश गायकवाड़ ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर अपना जन्मदिन मनाया। पनवेल के डिप्टी मेयर जगदीश गायकवाड़ ने अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए एक खुले मैदान में मंच सजाया, सैकड़ों लोगों को इनवाइट किया, उन्हें फूलों की माला पहनाई गई, उन पर फूलों की बरसात की गई, तुम जियो हजारों साल और जिंदाबाद के नारे लगे, नाच गाने का प्रोग्राम हुआ। यानी डिप्टी मेयर ने हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा, बस कोरोना का खतरा भूल गए। शहर में कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगा है, भीड़ लगाना, जश्न मनाना बैन है। डिप्टी मेयर का जन्मदिन था तो मेयर कविता चौटमोल, विधायक प्रशांत ठाकुर के अलावा कई बड़े लोग बधाई देने के लिए आए, खूब भीड़ लगी, लेकिन मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का ख्याल किसी ने नहीं रखा। पुलिस भी मौके पर थी लेकिन वो कोरोना नियमों का उल्लंघन होते देखती रही, कुछ नहीं किया। अब जिन लोगों को नियमों का पालन करवाना है, जब वही लोग नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर कोरोना को कौन रोकेगा। इसलिए मुंबई में कोरोना के केस खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 3671 नए मामले आए थे, कल यह संख्या 2500 के आसपास थी। महाराष्ट्र सरकार लोगों से सावधानी बरतने की अपील तो कर रही है लेकिन इस अपील का ज्यादा असर हो नहीं रहा। लोग अब भी घूमने फिरने के लिए बाहर निकल रहे हैं, बाहर के राज्यों से भी लोग मुंबई आ रहे हैं और यहां के टूरिस्ट स्पॉट्स पर जा रहे हैं।
मुंबई का एक ऐसा ही फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बांद्रा रिक्लेमेशन के पास बांद्रा वंडरलैंड। यहां की लाइटिंग को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ आती है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है। मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है, लेकिन अब बीएमसी ने यहां पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। अब यहां लाइटिंग तो होगी लेकिन किसी को यहां आने की इजाजत नहीं होगी और बांद्रा वंडरलैंड में 2 जनवरी तक लोगों के आने पर बैन होगा। हालांकि बांद्रा वर्ली सीलिंग से गुजरते हुए लोग यहाँ की रोशनी के नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के और इसके आसपास रुकने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। बांद्रा वंडरलैंड जिसका 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन बड़े ही तामझाम से इनॉग्रेशन किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी, उसकी बाहर की तस्वीर पहले हम आपको दिखा दें। मुंबई पुलिस की टीम यहां पे पहुंची है और लोगों से कह रही है कि धारा 144 लागू है, आप यहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा की संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते, आप यहां से जाएं। और साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि कोरोना बढ़ चुका है इसलिए बांद्रा वंडरलैंड फिलहाल बंद है। मुंबई पुलिस के लोग इस वक्त आपको अपील करते हुए दिख रहे होंगे, सुनाई दे रहे होंगे। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 3671 कोरोना के केसेस आए हैं। अब हम आपको बांद्रा वंडरलैंड दिखा दें जिसकी पिछले कुछ दिनों से मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में काफी चर्चा थी, क्योंकि बांद्रा रिक्लेमेशन पे जो पार्क था उसे पूरे जगमग रोशनी से नहाया गया था। यहाँ पर इतनी रोशनी की गई थी और अलग अलग तरीके से रोशनी की गई थी कि इसका नाम वंडरलैंड दिया गया था और लोगों को बुलाया जा रहा था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, कि यहाँ पर आप आएँ और इस जगमग रोशनी का, इस वंडरलैंड का मज़ा लें, और लोग पहुँच भी रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर इस वक्त कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र दयालकर, सन्नाटा पसरा है और इसके पीछे वजह यह है कि फिलहाल इस वंडरलैंड को बंद कर दिया गया है। 2 जनवरी तक यानी कि 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक वंडरलैंड बंद है, यहां पर कोई अंदर नहीं आ सकता। मुंबई में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाके में भी पिछले 9 दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या 6 गुना बढ़ गई। 7 महीने में पहली बार कल धारावी में एक दिन में कोरोना के 20 केस आए। 20 दिसंबर को धारावी में सिर्फ 10 एक्टिव केस थे, आज ये बढ़कर 61 हो चुके हैं। ये संख्या सुनने में आपको भले ही कम लगती हो, लेकिन धारावी एक ऐसा इलाका है जहां 60 केसों के 600 होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए बीएमसी ने फिर से यहां कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। 18 मई 2021 यानी करीब 7 महीने बाद यह पहली बार हो रहा है जब धारावी में एक दिन में इतने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। चिंता सिर्फ कल के आंकड़े को लेकर नहीं है बल्कि पिछले 9 दिनों में एक्टिव केसेस की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 20 दिसंबर को धारावी में महज 10 एक्टिव केसेस थे, लेकिन पिछले 9 दिन में एक्टिव केसेस की संख्या 4 गुना बढ़कर आज 43 हो चुकी है। और इसीलिए बीएमसी का कहना है कि अब वो खतरे की जो घंटी है एक्टिव केसेस के साथ ही वो बढ़ गई है। धारावी में दरअसल 8.5 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है, लोगों के घर यहाँ पर काफी छोटे हैं, तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, 8x10 के कमरे में करीब 10 से 12 लोग रहते हैं और यहाँ पर ये लोग जो है चाहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं और इसीलिए अब धीरे धीरे संक्रमण का खतरा भी यहाँ पर बढ़ रहा है। और इसी को देखते हुए अब बीएमसी ने तय किया है कि धारावी मॉडल को दोबारा इस बस्ती में लागू किया जाएगा। धारावी मॉडल के 3 अहम सूत्र, पहला, यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय है जिसका ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, उन सभी सार्वजनिक शौचालयों को दिन में 5 बार सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सूत्र, डोर टू डोर वैक्सीनेशन यहाँ पर लोगों का किया जाएगा। तीसरा और सबसे अहम सूत्र, मास लेवल पर यहाँ पर कोविड टेस्टिंग की जाए। धारावी तो स्लम एरिया है, लोग कह सकते हैं कि धारावी में रोज कमाने वाले रोज खाने वाले लोग रहते हैं, उन्हें तो मजबूरी में घर से निकलना पड़ता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है? फिल्म इंडस्ट्री के लोग गलतियां कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग पार्टियों के चक्कर में कोरोना के शिकार हो रहे हैं। पहले अर्जुन कपूर और उनकी बहनों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, आज रणवीर शौरी, नोरा फतेही, शिल्पा शिरोडकर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। रणवीर शौरी और शिल्पा शिरोडकर में तो माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन नोरा फतेही ने खुद अपने इंस्टाग्राम के जरिए जानकारी दी है कि कोरोना वायरस ने उन पर बहुत हार्ड तरीके से अटैक किया है।
वैसे अर्जुन कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी ने उनके कॉन्टैक्ट में आने वाले 22 हाई रिस्क लोगों की लिस्ट बनाकर उनका भी कोविड टेस्ट करवाया था। इन 22 लोगों में से 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, सोचिए, जिसमें अर्जुन कपूर के कजन ब्रदर मोहित मारवा और उनकी पत्नी भी है। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस की बढ़ती संख्या ने केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। मुंबई और सबर्बन इलाकों के अलावा महाराष्ट्र के ही पुणे और ठाणे में कोरोना केसेस में अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जैसे देश की मेट्रो सिटीज का यही हाल है। आज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि मुंबई हो या बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, गुरुग्राम, इन सभी शहरों में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए केंद्र की तरफ से यहां की राज्य सरकारों को एडवाइजरी भेजी गई है। हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1392 से बढ़कर 6787 केसेस हुए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफ़ी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। बेंगलुरु अर्बन में कंटिन्यूड बेसिस पर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। चेन्नई में भी इसी तरीके से 1039 केसेस की बजाय 1720 केसेस या एक हफ्ते में वृद्धि नोट की गई है। मुंबई सबर्बन हो, गुरुग्राम हो, अहमदाबाद हो या नासिक हो, इन सभी जिलों में भी एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। खतरे का एहसास महाराष्ट्र सरकार को भी है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग की। मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है, 2 दिन में केस डबल हो रहे हैं और ऐसे में लगता है कि जल्द ही कोई सख्त फैसला लेना होगा। पॉजिटिव संख्या बढ़ने की जो गति है वो बहुत ज्यादा है और 2 दिन में आंकड़ा डबल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ाने वाली बात है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस माध्यम इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ निर्णय लेने की जरूरत है। तो निर्बंध के बारे में जो चर्चा हुई उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय लेंगे। सेकेंड वेव के दौरान मुंबई कोरोना की कैपिटल थी, आप कह सकते हैं। अब एक बार फिर मुंबई में कोरोना उसी पुरानी रफ्तार से बढ़ रहा है। मुंबई में 1 दिन में 3500 से ज्यादा केस आना चिंताजनक है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है, यह अलार्मिंग सिचुएशन है, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई की तरह दिल्ली का भी हाल खराब हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आज कोरोना के 1300 नए केस आए हैं और डराने वाली बात यह है कि नए कोरोना केसेस में 46% केस ओमिक्रॉन के हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट लागू करने के साथ ही कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों की कैपेसिटी कम करके 50% कर दी गई है। सरकार ने तो फैसला कर लिया लेकिन अब इसके नतीजे दिखने लगे हैं। बसों के लिए कई कई घंटों तक इंतजार कर रहे लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। आज दिल्ली के संगम विहार इलाके में डीटीसी की बसों में तोड़फोड़ की गई। दरअसल लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले थे लेकिन बसों में सफर करने की क्षमता आधी है, इसकी वजह से स्टॉप पर बसें रुक नहीं रही थी। लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बसों पर पथराव कर दिया, बसों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा मेहरौली बदरपुर रोड में जामिया हमदर्द के पास उस जगह पर गए जहां यह हंगामा हुआ था और जतिन ने कुछ लोगों से बात भी की। लोगों का कहना था कि कम से कम उतने लोगों को तो बसों में बैठने की मंजूरी दी जानी चाहिए जितनी बस में सीटें हैं। सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में संगम विहार के इसी बस स्टैंड के बाहर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 8 से 9 के बीच में कई कॉल दिल्ली पुलिस को भी की गई। जब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि इसी संगम विहार बस स्टैंड के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। पूरी सड़क को जाम कर दिया था, रोड ब्लॉक कर दिया था और कई डीटीसी बसें इसी जगह पर खड़ी हुई थी। हालांकि जब पुलिस यहां पर पहुंची तो लोगों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन इसी दौरान 4 से 5 डीटीसी बसों में जो लोग हैं उन्होंने तोड़फोड़ भी की और आप देख सकते हैं कि सड़क पर अभी भी जो कांच है वो पूरे तरीके से यहां पर बिखरा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठे हो गए थे और अपना रोष इसी बात को लेकर जता रहे थे कि बसों के अंदर सवारियों को बिठाया नहीं जा रहा।
सर मैं रोज के जैसे ही वहाँ पे सर आ रहा था जा रहा था सर एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट में सर जॉब करता हूँ, तो सर रोज की तरह मैं जा रहा था सर, तो मैंने देखा कि सर वहीं से मैं आता हूँ तो यहाँ पे सर बहुत जाम लगा, लोग रो भी रहे थे कि हमें वो जाना है वहाँ जाना है, हमारा काम छूट गया, कल हमें मालिक ने निकाल दिया वो निकाल दिया सर। लेकिन बस वालों की सर, बस वालों से ये हमारी अनुरोध है कि, और दिल्ली सरकार से हमारे खास करके अनुरोध है कि सर नहीं कुछ है तो सर बसों में सर अलाउ, दो जैसे दो सीट है तो दोनों में अलाउ कीजिए सर, सर एक बिठा रहे सर ये गलत है सर, आठ आठ सवारी लेके जा रहे सर ये गलत है। कम से कम आधा घंटा हो गया ये लोग खोलते ही नहीं, लेडीज अभी तो खास कर नहीं खोलते गेट, अब देखो बस खाली थी फिर भी नहीं खोला गेट। आप कब? मैं 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे, 15-20 मिनट हो गए, जो भी बस आ रही गेट ही नहीं खोल रहे, सीधी भगा के ले जा रहे हैं, या तो आ रही है नहीं आ रही, और आ रही है तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं जी, बड़ी समस्या हो रही है आम जनता को यही परेशानी। कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? एक घंटे, हम तो एक घंटे ज्यादा हो गया, अभी तक मैं लक्ष्मीनगर से और क्या नाम खानपुर तक नहीं पहुंचा हूं, अब यहां आ गया जबकि मेरे पास आलूट पास है। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों की मुश्किलें अगले कुछ दिनों में भी कम नहीं होने वाली। बसों की कैपेसिटी तो कम है, मेट्रो में भी सफर करने वालों की संख्या अब बहुत कम कर दी गई है, मेट्रो भी 50% कैपेसिटी के साथ चलाई जा रही है, लेकिन असलियत में इसका असर 50% से बहुत ज्यादा है। आम दिनों में 8 कोच वाली एक मेट्रो ट्रेन में करीब 2400 लोग सफर करते हैं, यानी हर कोच में करीब 300 लोग, 50 लोग सीट पर बैठे होते हैं, 250 लोग खड़े रहते हैं, लेकिन अब खड़े होकर सफर करने पर रोक लगा दी गई है, सिटिंग कैपेसिटी भी आधी है, तो जिस कोच में आप सोचें 50 लोग बैठते थे उसमें 25 लोग बैठ रहे हैं, और 25 लोग एक कोच के हिसाब से 8 कोच में सिर्फ 200 लोग हुए। सोचिए जिस मेट्रो में करीब 2500 लोग जाते थे अब उसमें सिर्फ 200 लोग जा रहे हैं, और इसका नतीजा यह हो रहा है कि मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसके बाद येलो अलर्ट और पाबंदियां अभी आगे भी जारी रहेंगी। केसेस पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़े हैं, इसमें ओमिक्रॉन के भी काफी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं, तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी वो लोग भी हैं, इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं, और 200 में से 102 दिल्ली के हैं और 98 दिल्ली से बाहर के हैं। मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली के सिर्फ 102 पेशेंट जो हैं अस्पतालों के अंदर। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के खतरे का सामना कर रही है, हमारे देश की स्थिति दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अभी ठीक है। अगर इस वक्त पर हमने इस पर कंट्रोल किया, सरकार के निर्देशों का पालन किया, तो बड़े खतरे से बच सकते हैं। इस वक्त अमेरिका में तकरीबन रोज 2 लाख केस आते हैं और इनमें से 41% मरीज ओमिक्रॉन के हैं। इसी तरह स्पेन में, इटली के हालात भी खराब है। हमें सावधानी बरतनी है, वही छोटी छोटी बातें जो हम सबको याद है, मालूम है, मास्क हर वक्त पहनना है, हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी बनानी है। अगर ये हम कर ले तो ओमिक्रॉन पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। कोरोना का खतरा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज साफ कर दिया कि यूपी के असेंबली इलेक्शंस तय वक्त पर ही होंगे। हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि कोरोना की सख्त गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए रैलियों के लिए भी नियम बनेंगे। सारे राजनीतिक दलों से बात करने के बाद आज चुनाव आयोग ने लखनऊ में यह संकेत दिए। चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी के सभी राजनीतिक दलों ने सही वक्त पर चुनाव कराने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने लखनऊ में 3 दिन तक विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से बात की, सारे जिलों के डीएम एसपी के साथ बात की, और आज चुनाव आयोग के अधिकारियों ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग की। इसके बाद एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंदा ने कहा कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरियंट के खतरे को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव कराया जाएगा। यूपी में वोटिंग का टाइम 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। पहली बार 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर, दिव्यांग वोटर और कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए यूपी में पोलिंग बूथ की संख्या को 11,000 तक बढ़ाया जाएगा। पोलिंग बूथ्स पर ज्यादा भीड़ न लगे इसके लिए बूथ पर वोटर्स की संख्या को कम किया गया है। पहले एक पोलिंग बूथ पर 1500 वोटर होते थे, ये घटाकर 1250 कर दिए हैं। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, मास्क और सैनिटाइजर समेत हर सुविधा दी जाएगी। वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। यूपी में 4030 मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में 10 ऐसे मॉडल बूथ होंगे। सभी बूथ पर ईवीएम में वीवीपैट लगी होगी।
पोलिंग बूथ के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। यूपी के 1,74,351 मतदान केंद्रों में से 1,00,000 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। आयोग ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आश्वासन भी दिया है कि हमारा प्रयास स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, प्रलोभन युक्त और कोविड सेफ चुनाव कराने का है। कानून व्यवस्था की हम लोगों ने सभी SP और DG से समीक्षा की है और जहां जहां भी कोई कमी अगर नजर आई है उसको उनको फौरन चिन्हित कर दिया गया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे इसकी कानून व्यवस्था पूर्णतः दुरुस्त है और दुरुस्त रहेगी। जो इलेक्शन कमीशन है, जो संविधान में जो भी हमारी दायित्व है उसको पूर्णतया निभाएगा और उसको निभाने में जो भी चीज़ें उसको कंसिडरेशन में लेनी होंगी, चाहे कोविड की संख्या बढ़ती हुई हो या बढ़ती हुई रैलियों को अरेंज करना होगा, वो हम लोग को पूरी तरह ध्यान रखेंगे और तभी हम चुनाव अनाउंस करेंगे और जब भी अनाउंस करेंगे आपको सबसे पहले बताएंगे। हालांकि यूपी में सभी पार्टियों के नेता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूपी में 3 पब्लिक मीटिंग की। अमित शाह ने मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में रैलियां की। अमित शाह की रैलियों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। भीड़ देखकर शाह भी जोश में दिखे और उन्होंने फिर इस बार 300 पार का नारा दिया। अमित शाह के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं। लेकिन आज उन्होंने अखिलेश के साथ साथ मायावती और प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला। बीजेपी नेता मायावती को बुआ और अखिलेश को बबुआ कहकर पुकारते हैं, लेकिन आज अमित शाह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बहन कहकर पुकारा। अमित शाह ने कहा कि यूपी में बुआ, बबुआ और बहन मिल भी जाएं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने इनकी चलने वाली नहीं है। विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकते। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया है, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। यूपी चुनाव में ABCD से शुरू हुई जुबानी जंग आज और आगे बढ़ी। गृहमंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद की पब्लिक मीटिंग में निजाम का मतलब बताया। अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है N से नसीमुद्दीन, I से इमरान मसूद, Z से आजम खान और M से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अमित शाह ने चुनावी ABCD पढ़ी तो अखिलेश ने इसका जवाब ट्विटर पर दिया। अखिलेश ने लिखा, जब यूपी और देश भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई और बद इंतजामी के दौर से गुजर रहा है, तब बीजेपी के नेता ABCD और अक्षरों को जोड़कर बचकाने और इमच्योर शब्द बनाने में लगे हैं। इन बातों से न तो लोगों का पेट भरता है न घर चलता है। 22 में जनता इनका क्षत्रज्ञ कर देगी, भाजपा खत्म। आज अखिलेश ने सिर्फ ट्विटर पर बीजेपी को जवाब दिया, कोई रैली नहीं की, लेकिन बीजेपी का धुआंधार कैंपेन जारी है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत में मीटिंग की। योगी ने गोरखपुर और महाराजगंज में कई प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की। महाराजगंज की रैली में योगी ने पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद कैश को लेकर फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर हमले किए। योगी ने कहा, पिछली सरकारों ने गरीब का पैसा हड़पा था, गरीबों का वही पैसा अब दीवारों से निकल रहा है। पिछली सरकार में गरीब को आवास नहीं मिलते थे, आवास का पैसा कहां चला जाता था? हर व्यक्ति जानता है
लेकिन हमारी सरकार आई, 4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया प्रदेश के अंदर। मैं आज पूछना चाहता हूं, सरकार तो वही है, चेहरे बदले, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता था? कारण साफ था, गरीब का पैसा कहां जाता था? उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे, और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा, जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। ये गरीब को न मकान देते थे, न शौचालय की सुविधा देते थे, न स्वास्थ्य की 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध कराते थे, न उपचार की व्यवस्था करते थे। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान मिले अकूत कैश को लेकर चल रही खबरों का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी DGGI ने खंडन किया है। DGGI ने पीयूष जैन को लेकर कई अखबारों में पब्लिश रिपोर्ट्स को काल्पनिक और बेबुनियाद बताया। दरअसल कुछ अखबारों में रिपोर्ट्स ऐसी छपी थीं कि DGGI ने पीयूष जैन के घर से बरामद किए 197.49 करोड़ कैश और 23 किलो सोने को उसका टर्नओवर मान लिया है। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया था कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि केस को कमजोर किया जा सके। ऐसी खबरें पब्लिश होने के बाद DGGI की तरफ से एक डिटेल ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर पूरा ब्यौरा दिया गया है। DGGI के स्टेटमेंट के मुताबिक पीयूष जैन के 2 ठिकानों से अब तक कुल 197.49 करोड़ कैश मिले हैं, 23 किलो सोना और बेशकीमती गैर कानूनी चीजें बरामद हुई हैं। DGGI ने कहा कि कुछ अखबारों में छपी रिपोर्ट बिना किसी आधार के पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इनका उद्देश्य जांच की निष्पक्षता को कमजोर करना है। DGGI के मुताबिक जब्त की गई राशि से किसी तरह की टैक्स देनदारी का बकाया जमा नहीं किया गया है, जबकि इस तरह की खबरें आई थीं कि पीयूष जैन ने पेनल्टी के साथ 52 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कर दिया है। DGGI के स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि पीयूष जैन पर कितना टैक्स बनता है इसका कैलकुलेशन अभी किया जाना बाकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।